बदली किए जा रही है। एक भाई एक तो हमारी मूर्ति टूटी है, जो भी गुनहगार है जो भी गुनहगार है उस गुनहगार को आप गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन से हमारा ये निवेदन है, बिल्कुल सुनो, पुलिस प्रशासन से ये हमारा निवेदन है। हम कानून कोई हाथ में नहीं ले रहे, न पुलिस प्रशासन को बेबुनियाद ऐसी कोई बात कर रहे हैं, न ऐसे कोई करेगा। हमारा निवेदन यही है कि ये जो मूर्ति तोड़ी है, हमारे समाज का अपमान किया है, जो भी असामाजिक तत्व है उसको गिरफ्तार करो 24 घंटे के अंदर अंदर। यदि आप पुलिस प्रशासन गुनहगार को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सुनो ना, मेरे को इसीलिए बोलने दो, अंकल जी बोलने नहीं देंगे, 24 घंटे दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मुलजिम है, असामाजिक तत्व है, उसको गिरफ्तार करो पुलिस प्रशासन से, ये हमारा निवेदन है। ये पब्लिक की मांग है, पहले सुनना, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो आप। और रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो वर्तमान एमएलए साहब और पूर्व एमएलए साहब, हमारे समाज के हो, दरकाश के, आप जो भी क्षेत्र के एमएलए हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, करके तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के अभी मौजूदा जनप्रतिनिधि हो, और हम आपसे एक आस रखते हैं कि भाई 5 दिन के अंदर अंदर हमारी मूर्ति, जनप्रतिनिधि आप हो, 5 दिन के अंदर अंदर हमारी राणा पुंजा की मूर्ति महाराणा प्रताप के बराबर होनी चाहिए। दूसरा मत बोलो, बोलने दो मेरे पास। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो, बोलो। शांति बनाए रखो। महाराणा प्रताप जी के जो है उसके कद के माफिक उनकी साइज की राणा पुंजा की मूर्ति उनके साइज की होनी चाहिए। 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपसे मेरा निवेदन है, एमएलए साहब से, करके तो हमारे बिल यूं कहेंगे एक एक रुपया करके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हमारा अधिकार है आपके ऊपर और आपका हमारे ऊपर। और पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन हमारी कोई दुश्मन नहीं है, और हम ये चाहते हैं, प्रशासन से निवेदन है कि उस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करो और पब्लिक के सामने पेश करो। सबसे पहली बात है, सबसे पहले एक छोटी सी बात है, सामूहिक बात है। पहले मैं चाह रहा हूँ एमएलए साहब पता रहे, तो पहले एमएलए साहब की बात सुन ली जाए, फिर कोई बात होगी तो सब यही है, उस बात पे साहब के सामने चर्चा हो जाएगी। आपने कहा आपके दिल की बात सही है कि आपके हिसाब से 5 दिन अगर 1 दिन में, भाई समय सीमा आप तय करो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन बताए भाई हम इस काम को कैसे कर लेंगे, कितने दिन में कर लेंगे। देखो मैं कह दूं कि मैं तो अभी तुरंत की तुरंत, लेकिन प्रशासन की भी अपनी मजबूरी है, लेकिन प्रशासन जो समय सीमा तय करे उसमें समाज तय कर लेगा, उसके बाद जो निगोशिएट होकर समय सीमा तय होगी उसमें कार्रवाई होनी बाजी में। आप वो कहते हैं समय सीमा तो प्रशासन तय करेगी, जो मुलजिम को सुनो, आप समाज आहत हुआ है, और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे किसी ने भी, मैं नहीं कह रहा छोटे अधिकारी ने की आपके नीचे स्तर के किसी ने, प्रशासन की तरफ से एक स्टेटमेंट, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से या सिविल प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गया हो, लेकिन जो स्टेटमेंट गया उससे समाज को बहुत बड़ा दुख हुआ है, बंदरवाड़ा। तो सबसे पहले प्रशासन उस चीज में समाज से माफी मांगे, भाई वो एक अनुमान था लेकिन समाज को उससे दुख हुआ है, उसके लिए तो प्रशासन उस चीज समाज से पहली बात, समाज से बड़ा कुछ, सबको दुख हुआ है एक चीज, उससे क्या है कि आपसे जो उम्मीद है प्रशासन से करते हो टूटी, इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन उस चीज में खेद व्यक्त करे पहली बात, फिर एमएलए साहब है, एमएलए साहब की बात सुनेंगे, पूरे एमएलए साहब है सबकी बात सुने, फिर समाज यही है, कोई भाग के नहीं जा रहा, तय कर रहे हैं समाज का उन्नति से निर्णय हो ताकि समाज की बात रहे। बस बोलो एमएलए साहब सर, वो एक बार समाज को जो दुख हुआ है उसके लिए प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि, हम तो ये नहीं करें बड़ा छोटा, कोई भी प्रतिनिधि समाज से उस चीज के लिए तो सबसे पहले खेद व्यक्त करना जरूरी बात है। रुको मुद्दा, रुको मुद्दा, बिल्कुल सही बात। एक ये जो घटना घटी है उससे मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मेरे विधायक होते हुए मेरे कार्यकाल में आज ये काला कलम लगा, लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको समाज के सामने वादा कर रहा हूँ, राणा पुंजा की मूर्ति की स्थापना मैंने मेरे हाथ से की थी, उसकी 3 दिन में वैसे की वैसी मूर्ति स्थापित करा दूंगा, मतलब जो मार्बल की थी पूरी जैसी थी वैसी की वैसी मूर्ति आप कोई भी 3 दिन बाद आकर देखोगे तो आपको लगेगी महाराणा प्रताप के सिर महाराणा पूजा विराजमान है। महाराणा प्रताप की यदि खंडित हो रही है
मैं वही कहना चाहता हूं इसको भी दोनों एक जैसी एक साथ इसकी ये मूर्ति भी हम लगाएंगे और आप निश्चिंत रहो कोई सेलवाड़ा में ही नहीं है अमेठी में भी आप जाके दे सकते हैं कि मुंडा गांव में 2 बीघा जमीन में रेलोट के लिए राणा पूंजा की मूर्ति लगाई है वो भी जमीन रेलोट और समाज की वहाँ सराय होती है समाज के लोगों की मीटिंगें होती है और आप और हम कोई समाज दूर नहीं है आप सबको ध्यान है जब उस समय मूर्ति का अनावरण था सब समाज के लोगों ने आगे से चलकर काम किया गंदे से गंदा मिला था और परिणाम निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ आपको पुलिस वाले महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा का जो त्याग था ना दोषी का वो आप और हम अब कुछ नहीं कर सकते वो महाराणा प्रताप के साथ जो 5 सदस्य थे 5 सदस्य 2 दिन का बोला जो प्लानिंग मंत्री थे क्या करना था उसमें राणा पूंजा बैठा था और वो ये निर्णय करता था कि अब आगे क्या करना कल अपने एमएलए साहब मैं इस चीज का प्रत्यक्ष हुआ है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति अनावरण और प्रताप मूर्ति अनावरण एक ही दिन था और उस दिन मैं एमएलए साहब के साथ कार्यक्रम में था तो मैंने एमएलए साहब को उस दिन एक बात कही थी और उस बात को साहब ने पूरा किया मैंने कहा साहब राणा प्रताप की मूर्ति लगी बाबा साहब की मूर्ति लगी लेकिन एक कमी रह रही है कि राणा प्रताप का जो साथी था राणा पूजा भील की मूर्ति नहीं लगी तो उस दिन कहा था वो चीज एक चीज ये पूरा भील समाज या आदिवासी समाज और पूरा बहुजन समाज यहाँ मौजूद है SC ST OBC अन्य सभी समाज के हैं एक हमारी भी इच्छा है ये चीज कि दोनों प्रतिमाएं एक साथ लगे और दोनों पत्थर में एक जैसी लगे एक बराबरी की लगे राणा पूंजा की मूर्ति के साथ साथ जब 3 दिन में राणा पूंजा की मूर्ति लग सकती है तो ये पूरे सभी उपस्थित लोगों की ओर से निवेदन है कि साथ साथ में महाराणा प्रताप की भी भव्य मूर्ति एक साथ दोनों का भव्य अनावरण करवा जय हो यहाँ पे जो सारे लोग हैं हमारा ये निवेदन है कि आप जो प्रशासन और आप दोनों यहाँ पे विराजमान है यहाँ जो लोग हैं हम न तो किसी एक महापुरुष के लिए हम उस महापुरुष के लिए आए जो मेवाड़ का महाराणा प्रताप के साथ पूरे मेवाड़ के लिए काम किया उस महापुरुष के लिए आए जो मेवाड़ का राजा यहाँ पे कोई समाज की या जात की बात नहीं ये पूरे मेवाड़ की बात है और मेरा जो आप MLA साहब ने आश्वासन दिया आपने जो आश्वासन दिया हम सभी मान रहे मैं थोड़ा सा हमें दुख इसलिए होता है मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि सुबह हमने अखबार में उठ के पढ़ा तो उसमें आ रहा था कि बंदर ने मूर्ति तोड़ी मैं मान सकता हूँ कि बंदर ने भी तोड़ी हो सकती है लेकिन आप बिना प्रूफ या बिना जांच के कैसे कह सकते हो बंदर ने तोड़ी मेरा ये निवेदन है या तो मेरे जो मीडिया बंधु उनसे भी मेरा निवेदन है हम फैक्ट के अनुसार कोई चीज बिना फैक्ट से नहीं लिखे किसी भी तरह से या तो आप उसके फैक्ट दें हमें कि वास्तव में बंदर ने तोड़ी है या जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें पूरे जो पूरे जिले से राजसमंद उदयपुर या भिलवाड़ा सबसे सबके यही मांगे और दोनों महाराणा प्रताप और भिल्लू राणा दोनों मेवाड़ की शान है दोनों का जो अनावरण है वो आपके सानिध्य में इसी प्रशासन और इसी सब जनता प्रतिनिधि आपके सानिध्य में पूरा होना चाहिए हमें मैं प्रशासन निवेदन कि आप हमें इस कार्रवाई के बारे में कार्रवाई के बारे में प्रशासन की बात सुनो अरे बस सही बात है इसने सब बस अरे बस कर दीजिए भाई साहब डिप्टी साहब वीर समाज के लोगों से सर समाज के लोगों से यही निवेदन है राणा पूंजा जी की जो मूर्ति टूटी वो एक ऐश लगाया था लोगों ने तो बंदर गए हम नहीं कह रहे बंदर ने तोड़ी हमने नहीं कहा आपकी FIR हमने कर ली है आपके मिलने वाले थे जो भी वीर समाज के उनकी तरफ से FIR हो गई है FIR की तफ्तीश करेंगे FIR की तफ्तीश में तो दोषी होगा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमें टाइम तो दीजिए कम से कम आज आपके हमें याद देन कर दिया टाइम तो दो ढूंढने और वो एक बंदरवाड़ी बात को आप पकड़ो मत ये कि कयास लगाया गया साहब बंदर घूम जाते हैं इधर वो बंदर ने तोड़ी ऐसा पुलिस अधिकारी ने अधिकारी ये नहीं कहा कि बंदर ने तोड़ी FIR आपकी हो गई FIR के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा तफ्तीश होगी जो लोग यहाँ बैठे थे कल बैठे थे हम हमारे हिसाब से मालूम करेंगे उस चीज़ और आपको विश्वास दिलाते हैं 100% MLA साहब भी है ex-MLA साहब भी है हम हमारी तरफ से पूरा जाल लगा देंगे आपको उनपे कार्रवाई होनी चाहिए और उनको रोज फिट करना चाहिए क्योंकि ये माहौल केलवाड़ा के आसपास का बहुत खराब हो रहा है। सेकेंडरी बात लेकिन एक बात साहब ने कहा कार्रवाई करेंगे
हमने पहली बार में भी एक बात कही थी साहब कि समय सीमा आप तय करोगे, हम करेंगे बात गलत हो जाएगी। आप कह दोगे साहब आपने टाइम आप एफएसएल से करवाते तो कल भी आपको एफएसएल आ रही है, अगर यही चीज कल करवाने होते तो उसी टाइम साक्ष मिल जाता। सही बात तो उसे भी है कि खास तौर पे जब अधिकारी और क्या है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि कह लो या ये जो भी है कभी कभी अपनी बातों के साथ घूम जाते हैं, घुमा देते हैं। अब इज्जत किसकी, मीडिया वालों की खराब हुई कि मीडिया वालों ने मंदिर छाप दिया। तो मेरे भाइयों पहले कंफर्म नाम के साथ लिखो कि इन्होंने कहा, ताकि अगली बार से पढ़ते नहीं। समाज को बहुत बुरा लगता है जब किसी समाज के महापुरुष के लिए वो कहते हैं, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का मतलब होता है समाज को लॉलीपॉप देना। और आप अभी भी उस चीज के लिए प्रशासन अपनी उस एक छोटी सी उसके लिए समाज के सामने खेद प्रकट करने में भी अपने आप को नीचा समझ रहा है, ये बात समाज के लिए बहुत गलत। समाज की इज्जत इतनी हो रही है और आप एक खेद व्यक्त करने में आपको सब तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं आपको ये लगता है ना, समाज को कितना दुख हुआ इससे। नमस्कार, हम सभी पूरे परिवार की जो है वो इंसल्ट, इस बात को मैं एग्री करते हैं 100%। रही बात ये बात आप बता रहे हो, और माननीय विधायक महोदय ने नई मूर्ति स्थापित करने का वादा दे दिया, तो आप सभी से यही निवेदन है इस बात को अब हम समाप्त करते हैं और निश्चित तौर पे आप और भव्य और गरिमा में मूर्ति स्थापित करने का पूरा प्रयास। 3 दिन में अरे पीछे बात बंद करो भाई, पीछे बात मत करो। एक आखिरी बात, एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब, डिप्टी साहब, एसडीएम साहब ने सब बात रखी। अब साहब की बात के बाद समाज की तरफ से एक बात मैं कह दूं, अगर सहमत हो सब तो हाँ करना, नहीं तो बात वही खत्म कर देंगे। भाई एमएलए साहब ने 3 दिन का समय कहा, 3 दिन में नई मूर्ति लग जाएगी। हमने निवेदन किया है कि केवल राणा